ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग नया एक्सरसाइज करेंगे और नया क्वेश्चन करेंगे जो भी एक्सरसाइज 3.2 का। ओके, पेयर्स ऑफ बिनरी क्वेश्चन टू बी इक्वल। ठीक है, तो हम लोग यहां पे करेंगे एक्सरसाइज कौन सा 3.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। रिमेनिंग क्वेश्चन में मान का तू आप खुद से करिए। ओके, उन कंपेयर कर रेशियो a1/2 b1 और b2 से वाला फाइनल वाला लाइन से पहले पॉइंट पे डोमिनेंट को इंटरेस्टिंग पॉइंट पे रखो। ओके, तो हम लोग क्या करना है यहां पे, हम लोग फर्स्ट थिंग क्या है, लीनियर इक्वेशन पे इंटरसेक्ट है या नहीं वो निकालना है। द सेकंड वन इज पैरेलल है कि नहीं या फिर थर्ड वन कोइंसिडेंस। ओके, तो थ्री पॉइंट्स होते हैं, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूं नाम आप लोगों को। 5x-4y+8=0। ओके, 7x+6y-9=0। तो इसके लिए हम लोग क्या करने से हम लोग पास बताएगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लिखे टू लिनियर इक्वेशन। ओके, जैसे हो गया a1x+b1y+c1 इक्वल टू 0। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन दूसरा हो गया a2x+b2y+c2 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अदर वन इज, ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हो गए आपको। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जो फर्स्ट वेरिएबल है, ठीक है, a1 a2 b2 b2, ठीक है, इसको लेंगे जस्ट लाइक a1 हो गया, b1 हो गया। ओके, ज्यादा वाले c1। ठीक है, तो दूसरा क्या है a2 b2 and c2। अंडरस्टूड? तो इसमें से हम लोग पैरेलल कैसे होगा, a1/a2। ठीक है, वी विल डिवाइड बोथ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2। ओके, एंड c1/c2। ठीक है, ये सब का हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये नंबर को स्पेशल दिस नंबर a1 का पहला नंबर, ठीक है, तो हम लोग को एक ओ मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, ए कंजम्पशन मिलता है। ठीक है, जैसे हो गया, देखिए अब इससे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो हमारा कोई भी वेरिएबल होगा, ठीक है, तो 3, 4, 6, 5 कोई भी वेरिएबल है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी क्या होता है, तभी ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो इसका एक्सपोनेंट होता है, क्या होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। क्या होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी लिनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मैच नहीं करता है, ठीक है, मैच नहीं होता है, देन इट विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे वो नंबर को, तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट ही एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, उसका एक ही सोल्यूशन है, उसका आंसर आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया हम लोग का क्या, b1/b2, तो फिर हम लोग देखिए a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। जब ये टर्म जब आता है, जब ये टर्म हो जाता है, तो हम लोग तब क्या होता है, तब हम लोग होता है कोइंसिडेंट। ओके, तब हम लोग क्या होता है, कोइंसिडेंट आ जाता है। ठीक है, कोइंसिडेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है, और इसके लिए हम लोग क्या मिलता है, इंफिनिटी सॉल्यूशन। व्हाट डस वी कॉल इंफिनिटी सॉल्यूशन, इनफिनिटी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जब आपका ये लिनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मैच करता है, देन वी विल गेट इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको आंसर मिलेगा ही वन सॉल्यूशन है, तो एक आंसर मिलेगा ही, वैसे इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, उसमें आपको इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यू कैन डू, और ग्राफिकल कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट ही होता है। तो नेक्स्ट हो गया हम लोगों का क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 मैच करेगा, लेकिन b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये दोनों क्या है, मैच नहीं करेगा। तो तब हम लोग क्या फॉर्म होगा, पैरेलल लाइन फॉर्म होगा। क्या होगा,
पैरेलल लाइन फॉर्म्स, ओके पैरेलल लाइन फॉर्म होगा और उसके लिए क्या होगा, होगा नो सॉल्यूशन, क्या होगा नो सॉल्यूशन। जब भी पैरेलल लाइन फॉर्म होता है ग्राफ में तब क्या होता है, वो सॉल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। सो देयर आर थ्री सम सर्कमफेरेंसेस वेयर यू कैन फाइंड द पैरेलल इंटरसेक्टिंग कंसीडर, ओके। जब a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2 यू विल गेट अ इंटरसेक्टिंग लाइन वेयर ऑल एवरीथिंग a1 / a2 इक्वल्स टू b1 / b2 c1 / c2 अगर हो जाता है तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है, ठीक है। और उसका इंफिनिटी सॉल्यूशन होता है, k सॉल्यूशन इंफिनिट सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज when a1 by a2 is equal to b1 by b2, तो a1 by a2 और b1 को मैच करता है, सेम सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, c1 by c2 से मैच नहीं करता है, देन इट विल बी पैरेलल लाइन बट नो सॉल्यूशन, ठीक है। ऑन दिस वी हैव टू डू द क्वेश्चंस, ओके। तो अब ले लीजिए आप क्या क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था, आप इसको ले लीजिए, देखिए आप ये क्वेश्चन हो गया, इसको कैसे लेंगे, मैं शायद साइड भी ऐसे कर रहा हूं, तो सर आप इसको ले लीजिए a1x, ओके माइनस b1 वाई, ओके प्लस लगा ही नहीं है टू जीरो, ठीक है। तो सर a2x प्लस सब बीजे ऐसे b2y माइनस c3 = 0, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कितना पोस्ट करेगा, पोस्ट, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे, लेट अस टेक डिसीजन इक्वेशन 1 एंड दिस वन इक्वेशन 2, ठीक है। तो मान लीजिए डायरेक्ट आप नीचे सोल्यूशन करने से हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयरिंग किस बेसिस में करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 ओके इक्वल्स टू 0, ऑन दिस बेसिस वी विल क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन सोल्यूशन क्या है, a1x क्या है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। b1 का क्या है माइनस 4 एंड c का क्या है 8, ठीक है, वी गोट दिस, है कि नहीं। तो नेक्स्ट अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, चलिए बाय कंपेयरिंग, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें a2 क्या था हम लोग का इक्वेशन 2 में, a2 क्या है 7, है कि नहीं, b2 क्या है 6 एंड c2 इक्वल्स टू मच माइनस 9, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू मिल गया a1 b1 c1 का, सबका वैल्यू मिल गया, है कि नहीं है। तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने आप लोगों को सिखाया था ना कंपेयरिंग कैसे करते हैं, नाउ ठीक है कंपेयरिंग कैसे करेंगे हम लोग, a1 by a2, ठीक है a1 by a2, तो a1 का वैल्यू कितना है हम लोग का 5, a2 का कितना है 7, ठीक है, हम लोग a1 by a2 मिल गया। और नेक्स्ट वन क्या था b1 by b2, b1 कितना है हम लोग का माइनस 4 एंड b2 हम मच 6, तो हम लोग काट लेंगे 2 3 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। और लास्ट क्या है c1 by c2, c1 कितना हम लोग का 8 एंड c2 इज माइनस 9, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा माइनस 8/9, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला, a1 का a1 by a2 कितना मिला 5/7, ठीक है, b1 by b2 कितना 2/3, ओके c1 by c2 इज इक्वल टू माइनस 8/9। सो तो हम लोग को क्या मिला, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, है कि नहीं। A1 का वैल्यू कितना है 5/7 और B1 B2 का वैल्यू कितना है 2/3, यस और नो। तो हम लोग को क्या मिला, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, ठीक है। तो जब A1 by A2 इज नॉट इक्वल B1 by B2 होता है तो हम लोग क्या होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और क्या होता है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, सो हेंस इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा हम लोग का ये, क्योंकि ये वन सोल्यूशन है, ओके यूनिक सोल्यूशन, ठीक है यूनिक सोल्यूशन। सो द लाइन, सो द लीनियर इक्वेशन लाइन, लीनियर इक्वेशन, सो द लीनियर इक्वेशन
ओ सॉरी सॉरी लाइन बी वन सो लाइन रिप्रेजेंटिंग ओके रिप्रेजेंटिंग सो लाइन रिप्रेजेंटिंग द लिनियर इक्वेशन इंटरसेक क्या बोला था मैंने इंटरसेक ये सुनो इंटरसेक एट ए पॉइंट ये सुनो जब ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई टू क्या बोला था मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन ओके तो द लाइन रिप्रेजेंट द लिनियर इक्वेशन इंटरसेक एट ए पॉइंट मतलब यू आर व्हाइल कंपेयरिंग वी फाउंड आउट दैट एट सम पॉइंट इट विल इंटरसेक एट अ ग्राफिकली ओके